क्या अली मदद अलवाइज राय अबू अली मिशनरी वाइज नंबर 734 सब जुग पंथी जी पंथी पंथी हो मोराशा सब जुग पंथी जी आशा हम भी पंथ पथिया गोपी रसन कबीर दीन का ये गिनान है बोला नहाज इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि मैं पंथी हूं मेरा भी एक पंथ है पंथ यानी मजहब जितने भी दुनिया में इंसान है सबका एक मजहब है वो लोग जो नास्तिक हैं खुदा को नहीं मानते उनका ये मजहब है उनका भी मजहब है और उनका मजहब यह है कि खुदा नहीं है कोई नानक को मानता है कोई हरे कृष्णा को मानता है कोई जीसस को मानता है कोई मोहम्मद को मानता है कोई राम को मानता है कोई कृष्ण को मानता है और ऐसे भी है कि जो किसी को नहीं मानते खुद को मानते हैं हर एक इंसान का कुछ मजहब है अब वो मजहब सच्चा है अगर सच्चा है तो कितना सच्चा है और अगर झूठा है तो उसकी तो बात ही नहीं इस हसन कबीरदीन कहते हैं कि मेरा भी एक पंथ है और फिर हसन कबीरदीन का जो पंथ है तो वो क्या है आशा जी मत तारात तो तमने ये जानूं अवर न जानूं ओ ये मैं तेरे को माँ बाप तेरे को ही समझता हूं मैं किसी और को नहीं जानता ये पीर हसन कबीर दीन का पंथ है हमारे बाप दादाओं को इस मजहब की तालीम पीरों ने दी और हमने ये मजहब अपने बाप दादाओं से सीखा सिवा के वो आदमी के जो शादी करके इस माली मजहब में आए या थोड़े से ऐसे भी हैं कि जो अपने खास मकसद के लिए ही इस्माइली बने हैं जिनको कोई लालच नहीं था कि हम शादी करके इस्माइली बने और वो इसलिए इस्माइली बने कि शादी इसलिए की जाती है कि दोनों साथ रहें हर एक के अपने अपने ख्यालात हैं मगर हमने ये मजहब मेजोरिटी हम जो यहां बैठे हैं या मेजोरिटी इस वक्त जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंगपुर द्वीप के जो इस्माइली हैं या वो इस्माइली के जो सरमिया के अंदर है जो हमारे से बहुत पुराने असल इमाम इस्माइल शाह के जमाने से इस्माइली हैं या वो बदख्शानी के जिन्होंने इमाम हुसैन सिरबिल्ला के जमाने के अंदर सैयद नासिर खुसरो से इस्माइली मजहब सीखा करोड़ों इस्माइली दुनिया के अंदर मौजूद हैं लेकिन अपने बाप दादाओं से यह मजहब सीखा है तो बाप दादाओं ने यह मजहब जो सीखा तो हम क्या मानते हैं कि हमारे बाप दादा अस्तगफरुल्लाह दोजख में गए या जन्नत में गए हमारे बाप दादा थे मेरा बाप गुजर गया मेरा दादा गुजर गया मैंने यह मजहब उनसे सीखा लेकिन मेरे दिल के अंदर राहत है कि मेरे बाप दादा सच्चे मजहब के थे जन्नत में गए मगर कुछ ऐसे इस्माइली भी हैं कि जिनके मन ढचू पछू हैं वो मजहब को समझे नहीं और अपने इस मजहब के खिलाफ बातें करते हैं तो उनको मैं पूछता हूं कि तुम्हारे बाप दादा दोजख में गए कि जन्नत में गए कोई जवाब नहीं है उस चीज का मैंने आपको अर्ज की कि गुरपी रसिन कबीर दीन फरमाते हैं हर एक का कोई मजहब है तो फिर में सोचो तो सही मेरा मजहब क्या है अगर पीर रसिन कबीर दीन की तरफ देखते हैं तो कहता मेरा मजहब यह है
कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं किसी और को जानता ही नहीं। अगर न जानूं कोई, मैं किसी और को जानता ही नहीं। हीरासन कबीरदीन के जो बाप थे गुरु की सदरदीन माँ बाप, वो क्या कहते हैं, हे जी सिरसो हमारा याली तेरे पाँव धरिया तेरे पिरसा दे, याली जीवड़ा निपना, या मौला मेरा सिर तेरे पाँव में पड़ा है और तेरी ही बरकत और रहमत और तुफैल से मेरे जीव का पार निस्तारा मुक्ति होगी। अब फिर सदरदीन के परदादा जो थे, फिर शमस जो थे, हम उनकी तरफ देखते हैं तो फिर शमस कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से कहा, हे पंथ पूरो सुरो कोई का धियावे चार दिन रहना, बंदे झूठे क्यों कमावे। ये पंथ बहुत मुश्किल है। वीर शम्स कहते हैं कि ये जो मजहब है इसको पूरी तरह कोई शूरवीर बहादुर ही समझते हैं। हे पंथ पूरो शूरो कोई तो ध्यान कोई कोई है, क्योंकि इस्माइली मजहब जो है ना कठिन है। फिर सदरदीन एक और जगह पे शम्स अपने परदादा की हां में हां मिलाते हैं, यानी जो दादा परदादा ने कहा कि सदरदीन कहते हैं वो बराबर है। सब पंथ थी ही पंथ दोहेलो घड़िये घड़िये करारियां। तमाम जितने भी मजहब हैं उन सब में मुश्किल मजहब तो ये इस्माइली मजहब है कि जिसमें घड़ी घड़ी चीजें बदलती रहती हैं, घड़ी घड़ी तकलीफें आती रहती हैं, घड़ी घड़ी नवी नवी चीजें होती हैं, एक ही हालत के अंदर एक ही स्पीड से एक स्मूथनेस के साथ ये मजहब नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? 2000 बरस से ये ईसाई लोग अपने धरे के ऊपर चले जाते हैं, 1400 बरस से जो शरीयती मुसलमान हैं उन्होंने वही 1500 बरस की शरीयत को पकड़ रखा है, 4000 बरस से हजरत दाऊद और हजरत मूसा को मानने वाले ये यहूदी ज्यूज हैं उन्होंने भी वो 1400 बरस नहीं, 2000 बरस नहीं, 4000 बरस की पुरानी चीजें पकड़ के रखी हैं। नानक को मानने वाले 700 बरस हुए ये सिख लोग, इन्होंने पकड़ रखा है। 2500 बरस हुए 2500 बरस बुद्ध मजहब को, तो बुद्ध को मानने वालों ने भी अपनी प्रणाली का ऐसी ही पकड़ रखी है। एक इस्माइली है कि जो घड़ी घड़ी कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो, क्यों? वजह क्या? वजह यह है कि तमाम मजहब जो दुनिया में हैं, किसी में उनके पास हाजर जोमे का धनी नहीं, मर चुके हैं उनके धनी, और जो मरे हुए हैं वो अब नवी बात क्या करेंगे? कुछ नहीं। मगर जो जीता होता है वो नवी नवी बातें करता है, कभी हमको ये कहता है कभी हमको वो कहता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के मुख मुबारक से फरमान सुने कि सुबह की जो इबादत है, अगर बीमार भी पड़ जाओ, चार आदमी तुमको पलंग के ऊपर डाल के उठा के जमात खाने लाएं, इस हालत में भी आओ और इबादत करो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह कहा कि बीमार तो बीमार मगर इबादत करो। एक औरत शादी की, बच्चे हुए, आबिद औरत थी, बच्चे हो गए, शादी हो गई, सास ससुर हस्बैंड बच्चों की सब जिम्मेदारियां पड़ गईं, इबादत कमजोर हो गई। मौला के हुजूर में मेहमानी रखी है, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की बात करता हूं,
हाथ जोड़ के रो पड़े। मौला ने दिलासा दिया, थोड़ा रोने से रंग घट गया, तो माँ बाप पूछे क्या बात है। कहती मौला, शादी से पहले इबादत के अंदर जो मुझको मजा आता था, शादी के बाद चला गया। बच्चे हो गए, इबादत नहीं होती। एक बरस हुआ मैं इबादत नहीं कर सकी, तू मुझे माफ कर दे। मौला फरमाया, इबादत तो माफ नहीं होती, तुम हर रोज 15-15 मिनट ज्यादा करके वो एक बरस की इबादत पूरी करो, लेकिन माफ नहीं होती। हम अब देखो, ये हजर इमाम ये जौमे के अंदर बॉम्बे के दरखाने में बैठे थे, ये जमातखाना सारा बंगली भरी हुई थी, 4,500 जवान बच्चे पहली वक्त बोल लेने के लिए आए हैं। मौला ने खड़े होकर फरमाया, फरमान किए बहुत से, उसने फरमाया देखो अगर तुम्हारे बदन में पेन होता होवे तो तुम उस दिन इबादत नहीं करो, और अगर कोई ऐसी औरत है कि जो प्रेग्नेंट है और आखिरी दिन है, दिल घबराता तंग होता है, भले वो भी इबादत ना करे। बदल गया ना मामला। वो कहता तो इबादत माफ नहीं होती, तुम 15-15 मिनट भी करके पिछला कर्जा पूरा करो, और इसने कह दिया कोई जरूरत नहीं, अगर प्रेग्नेंसी के आखिरी वक्त हैं इबादत नहीं होती ना सही, तुम्हारे बदन में दर्द हो रहा है उस दिन बंदगी ना करो। बदल गया ना मामला, क्योंकि जीता जागता मास्टर बैठा है, हर जमाने के अंदर मौजूद है। जैसा जमाना, एक वो जमाना था मौलाना शाह हसन अली पातशाह का, जब हिंदुस्तान में आए मौला 1842 के अंदर, उस वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत थोड़े लोग थे, बहुत ही थोड़े लोग, शायद हमारी जमात के एवरेज 1-2% लोग थे कि जो बैतुल ख्याल की इबादत करते थे, मगर वो इबादत रात को 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक 6 घंटे की बैठक होती थी। 6 घंटे आंख बंद करके एक ही हालत में, मोशनलेस कंडीशन में इबादत करनी 6 घंटे। आहिस्ता आहिस्ता जमाना पलटता रहा, अली शाह माँ बाप के जमाने में 4 घंटे हो गए, सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में 4 घंटे थे, फिर 3 हुए, 2 हुए, 1 हो गया। अब मौला ये कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान लगे न लगे मगर तुम बैठक करो। और सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे कि बराबर ध्यान लगाओ, अगर तुम ध्यान नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन इमाम ने जरा थोड़ा गर्मी का फरमान किया कि तुम बैतुल ख्याल में आके सो जाते हो, इससे तो बेहतर है कि तुम घर पे बैठे रहो, क्योंकि जमात खाने आके सो जाने की जो बेअदबी और गुनाह चढ़ता है उससे तो बचोगे ना, इबादत होती है बल्कि वहां के सो जाते हो। हजर इमाम कहते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी, लेकिन इबादत करो, ध्यान नहीं लगता ना सही, फिर भी तुम इबादत करो। जमाना बदल गया, यही ईमान की खूबी है। सारी दुनिया के 5 बिलियन लोगों में 2-2.5 करोड़ इस्माइली हैं कि जिनके पास हजर इमाम मौजूद है, किसी के पास नहीं, और किसी के पास होता है तो दूसरी पीढ़ी में खत्म हो जाता है। आज से लगभग 125 साल पहले, 125 साल नहीं हुए, सॉरी 100 वर्ष भी नहीं हुए, 1890 के अंदर गुरदासपुर के जिले में कादियान एक छोटा सा गांव है, इस कादियान के अंदर एक आदमी जिसको छोटी उम्र से इबादत का शौक था, नमाजें पढ़ता था, मस्जिद में जाता था। याद रखो जब मैं इबादत कहता हूं तो हमारी जो बैतुल ख्याल की बंदगी जो इबादत है, ये दूसरे के पास कहीं भी नहीं है, मगर इबादत का मतलब ये खुदा को याद करना, नमाज पढ़ना भी इबादत है, राम राम करना भी इबादत है। जो आदमी सच्चे सिद्दक दिल से खुदा को किसी भी तरीके से याद करता है, खुदा का नाम लेता है, चाहे वो संस्कृत में नाम ले, ईश्वर कहे, तो वो काफिर नहीं हो गया,
उसको अल्लाह कहने से या ईश्वर कहने से या राम कहने से या उसको गॉड कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि खुदा के हजारों नाम है, उसको किसी भी नाम से याद करो। तो नमाजें वगैरह पढ़ता था, ये वो रास्ता है खुदा को याद करने से इंसान के दिल के अंदर अच्छाइयां पैदा होती हैं। लेकिन कभी कभी अच्छाइयां बर्दाश्त करना, सहन करने की शक्ति घट जाती है। एक आदमी है वो एक रोटी खाता है बस पेट भर जाता है, और बाज ऐसे हैं कि 10 रोटियां खाते हैं, 2-4 और मिल जावे तो वो भी चढ़ा जावे। सबका स्टेमिना जुदा, सबकी ताकत जुदी, सबका हौसला जुदा। इसी तरह से रूहानी ताकत भी जो है ना वो इबादत के अंदर सबकी सरीखी नहीं। कोई ऐसे लोग भी हैं कि जो इबादत में बैठते हैं तो 6 घंटे बैठते हैं, और कोई ऐसे भी हैं कि 6 मिनट भी नहीं बैठ सकते। मगर जब इंसान की खुद की बर्दाश्त करने की, सहन करने की जब उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और उसके बियॉन्ड जाता है तो फिर उसको खराबी पैदा होती है। इसी चीज को हम मगरूरी कहते हैं, बड़ाई कहते हैं, कुछ भी समझ लो। तो हर इंसान की एक लिमिट होती है। तारा रूरा मिशनरी थे, भगत सुल्तान मोहम्मद शाह हमेशा उसको भगत करके बुलाते थे, भगत कारा रूड़ा। एक दिन फरमाया, भगत कारा रूड़ा, ये खुदा आज से इबादत बंद करो। अरे ऐसा भी एक दाखला बन गया, ये इमाम कहता इबादत करो लेकिन किसी एक को भी कह दिया कि आज से तुम इबादत बंद करो। क्यों? उसकी लिमिट आ गई थी, उसने इतनी इबादत की कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसकी मौत के बाद फरमाया था कि कारा रूड़ा जब दुनिया में जिंदा था तो 4 आसमान की खबर रखता था। उसकी इबादत का ये दर्जा था कि 4 आसमान तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। यानी इमाम के एक फरमान में है, दर रहमत में, मंजेवड़ी के फरमानों में, कि तुम ईसा जैसे, मूसा जैसे बन सकते हो, शाह शम्स जैसे बन सकते हो, शम्स तबरेज जैसे बन सकते हो। तो ये उधर दाखला ले लो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। तो करा रूड़ा के लिए फरमान किया कि दुनिया में जिंदा था तो 4 आसमान की खबर रखता था। इस दर्जे का आदमी था, उसको इमाम फरमाया भी इबादत बंद करो। मौला ने अपने बच्चे को बचा लिया, मगर वो पहली रात जो फरमान हुआ अपने आप को रोक ना सका। जीव के साथ इतना ताल्लुक पैदा हो गया था, रूह और जीव एक हो चुके थे। जैसे किसी शराबी को कह दो आज से शराब नहीं पीना तो कितना भी मन को रोके मगर बोतल देख के ना दिल बदल जाता है। बस तारा रूड़ा 5 घंटे इबादत करते थे, आधी रात को उठ बैठा, दूसरे दिन कहीं देख लिया, मौला ने हुक्म किया, ए कारा रूड़ा मैंने तुमको कहा कि इबादत नहीं करो, फिर भी तुमने रात को इबादत की। मुंह नीचा कर लिया, यानी भूल हो गई। दूसरी दफा फरमान हुआ मगर न रह सका। तीसरे दिन मौला ने सख्त फरमान किया, देखो इबादत बंद नहीं करोगे। तो मौला ने बहुत खराब लफ्ज कहा, अगर इबादत नहीं बंद करोगे तो शैतान बन जाओगे। फौरन पांव पे गिर गया और उसके बाद इबादत नहीं की। ये आदमी जिसका मैं जिक्र करता हूं, गुलाम मोहम्मद उसका नाम, इसने बस थोड़ी सी तस्बीहां और नमाजें पढ़ ली और लोगों को अपने पास ले आया, उनका मुर्शिद बन गया। मुर्शिद बनने के बाद लोगों की इज्जत मिली, लोगों के तरफ से वखान के शब्द मिले, अफडप हो गया, कहने लगा कि मैं इमाम हूं। इमाम में से रामकृष्ण भी बन गया और रामकृष्ण के बाद ये दावा किया कि मैं नबी हूं। जब वो नबी तक पहुंचा तो मुसलमानों ने उसको कुफ्र के फतवे लगाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, मैं उसकी हिस्ट्री बयान नहीं करना चाहता,
मैं ये दाखला देना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसे अगुए, ऐसे रहनुमा, ऐसे मुर्शद, पीर, इमाम, लोगों के मजहबी लीडर दुनिया में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन जिसका बर्तन छोटा होता है, जिसकी ताकत कमती होती है, वो थोड़ा ज्यादा खा ले तो फिर नुकसान होता, बीमार हो जाता है, और आखिर फिर इसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगे, और आज सारी दुनिया के मुसलमानों मुल्कों के अंदर कादियानियों को, अहमदियों को आउट ऑफ इस्लाम बना दिया। इसका बेटा इसकी मौत के बाद इनका खलीफा बना, और उसके बाद फिर कोई ना हुआ, मतलब कि आज कोई नहीं था। मैंने ये बात इसलिए कही कि दुनिया के अंदर बहुत से लोग ऐसे हुए, किसी का बेटा हुआ या किसी का पोता हुआ, बस खत्म हो गया, नस्ल चली ही नहीं, ये एक ही है आखिरी दुनिया में, आखिरी दुनिया में एक ही है। सॉरी कि जो आज तक कायम है और कहता है कि ये जो मजहब है ये जिंदगी भर तक एक आदमी के साथ मिल जाए तो जिंदगी भर तक उसके दिल को खुशियां दे, और ये वो मजहब है कि जो कयामत तक चले, और इमामत भी अटूट है, परपेचुअल है, ये इमामत का सिलसिला कयामत तक चलेगा, अली मुर्तजा से लेके 1400 साल हुए, हमारे 49 इमाम हुए अली से लेके, हर इमाम ने ये दावा किया अपनी इमामत में कि इमामत कयामत तक चलेगी, हर इमाम ने दावा किया। दुनिया के अंदर आज मुझे बताओ तो सही कि किसी की नस्ल 5, 10, 15 पीढ़ी से तक भी पहुंची होवे तो 49 पीढ़ियां हुई, आज तक बराबर दावा चलता रहा, कईयों ने दावे किए, कईयों ने, रसूल पाक के बाद आज तक 32 मुसलमानों ने या इमामत का या नबूवत का दावा किया। गए 1400 बरस में 32 ऐसे मुसलमान उलेमा आलिम फाजिल हुए कि जिन्होंने किसी ने इमामत का दावा किया, किसी ने नबूवत का दावा किया, जैसा कि ये गुलाम मोहम्मद ने भी नबूवत और इमामत का दावा किया, रामकृष्ण का दावा भी किया, लेकिन बेटा हुआ और उसके बाद मामला खत्म। इस तरह ये तमाम रहे, कहीं की चल न सकी, मिट गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने फरमाया, ऐ इब्राहिम मैं तेरे ऊपर एक इम्तिहान डालना चाहता हूं। अर्ज की के मौला बंदा हाजिर है, एक दिन इबादत करके टेक लगा के सो गए थे। नबियों की जो नींद है ना वो हमारी तरह की नींद नहीं होती, नदियों की नींद आधी नींद होती है आधी नहीं होती, वो नींद में भी जागे होते हैं, उनके दिल कभी सोते नहीं। देखा तो फरमान हुआ, अरे इब्राहिम तेरी प्यारी से प्यारी चीज, तू जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है मेरे रास्ते में कुर्बान कर। आंख खुली और ये फरमान याद किया, पसीना आ गया, हजरत इस्माइल उनके जो सबसे बड़े बेटे थे, बहुत मुद्दत के बाद बेटा मिला, 99 इयर्स की एज हुई इब्राहिम नबी की जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, 99 इयर्स की एज, और बहुत मुद्दत के बाद बेटा आया इस बुढ़ापे की उम्र में, उनको बहुत प्यार करते थे। नबियों इमामों के बदन जो हैं वो भी हमारी तरह के मिट्टी चमड़े के बदन हैं, इंसानी कमजोरियां वीकनेस वगैरह उनमें भी हैं, जैसे कि खाना पीना पसंद होता है, बीवी बच्चे पसंद हैं, कपड़े लत्ते पसंद हैं, मगर वो कंट्रोल में रहते हैं, हम लोग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। नबी और इमाम जो हैं बीमार भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, उनको जख्म भी लगते हैं, वो अच्छे भी हो जाते हैं। नॉर्मली इंसान की जो कमजोरियां फितरतन जो होती हैं वो सब नबियों इमामों में भी होती हैं, उनको बल्कि अपने बेटे पसंद होते हैं, औलाद प्यारी होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ठंडी ठंडी मौसम थी, मक्का मदीना के अंदर तो बर्फ नहीं पड़ती, लंबा चोखा पहना हुआ था और बगल में ऐसा समझो कि कोई बड़ा सा बैग या कोई पोटली उठा रखी हो, ऐसा बल्ज था। अब मदीने के अंदर चले जाते थे तो सामने से एक सहाबी मिले, अभी एक साइड में इतना बहुत बल्ज था तो उसने पूछा, या नबी क्या वजन उठा रखा है, मैं कुछ हेल्प करूं? ऐसा खोल के बताया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दबे हुए बैठे थे। इमाम हुसैन को वो सर्दी न लगे, अपनी बगल में उसको उठा रखा था, उसको देख के किस किया, प्यार किया। उसको कहते हैं वो आदमी कौन था पता है? पहला खलीफा हजरत अबू बकर। फरमाया, ऐ अबू बकर, मैं इसमें से हूं, ये मेरे में से है। अना मिनल हुसैन व हुसैन मिनी, इन्हें अपने आप को यह फरमाया कि मैं और वो एक ही हैं, मैं उसमें से हूं, वो मेरे में से है। एक दिन डेढ़ दो बरस की उम्र, मौलाना हुसैन को कंधे के ऊपर एक टांग इस तरफ एक टांग इस तरफ, और उसने बाल पकड़े हुए नाना के चले जाते थे। मदीने से बाहर निकले, लोगों ने देखा तो यही हजरत अबू बकर फिर सामने से मिले तो देख के फरमाया, वाह वाह बेटे, सवारी तो बहुत अच्छी है। सवारी का मतलब जैसे कि आदमी घोड़े पर बैठा है तो घोड़े को सवारी कहते हैं और उसके ऊपर बैठने वाले को सवार कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 124,000 नबियों के सरदार, उसके कंधे पे जो बैठा हो गए तो वो कैसा खुश नसीब है। कहता है, बेटे सवारी तो बहुत अच्छी है। हुजूर कहते हैं, सवार भी तो अच्छा है, यानी जो मेरे कंधे पे चढ़ा है वो भी तो ऐस मर्तबे का है ना, सवार भी अच्छा है। तो रसूलों को भी अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, ये एक नेचुरल चीज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़े, क्या खुदा का ये ख्याल है कि मैं इस्माइल को कुर्बान करूं? चुप रहे, सोच में पड़े रहे। दूसरे दिन फिर यही हुक्म हुआ, ऐ इब्राहिम, प्यारे से प्यारी चीज हमारे रास्ते में कुर्बान करो। दूसरे दिन भी मन जरा झचू पचू रहा। नबियों की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर गुनाह और खामियां और कमजोरियां जाहिर नहीं होती, और अगर होती हैं तो ये समझो कि वो हमारे लिए लेसन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं। तो अगर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को करवट से चीर दिया तो क्या हजरत ज़िक्रिया ने गुनाह किए थे? अय्यूब अलैहिस्सलाम को बदन में कीड़े पड़ गए तो क्या हजरत अय्यूब ने कोई गुनाह किए थे? यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट के अंदर रख दिया, इब्राहिम को आग में डाल दिया, ऐसे पर बहुत से नबियों को बड़े बड़े दुख दिए गए, वो उनके गुनाहों की वजह से नहीं थे। नबी मासूम है, तमाम नबी जो हैं मासूम हैं, पाक हैं, बेगुनाह हैं। इसी तरह से तमाम इमाम जो हैं वो पाक हैं, मासूम हैं, बेगुनाह हैं। वो भूल नहीं करते, गुनाह नहीं करते, गलती नहीं करते, मगर फिर भी ऐसा क्यों हुआ? हमारे लिए वो लेसन छोड़ जाते हैं। उन्होंने जिंदगी के अंदर दुनिया में आके इंसानी रूप अख्तियार किया है, बीवी बच्चे बनाए, मेहनत की, बाल भी पैदा किया, मालदार भी बने, राजा भी बने। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे, नबी भी थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे, नबी भी थे। बहुत से नबियों ने बड़ी फकीरी और गरीबी भी उठाई, मगर वो उन्होंने अपनी जिंदगी को हमारे लिए एक लेसन बनाया कि दुख आवे शुक्रगुजारी करो और जमे रहो, खुदा के ऊपर विश्वास रखो और हिम्मत रखो, दुखों के अंदर हार मत जाओ, दिल छोटा मत करो। नबियों ने हमारे लिए लेसन रखे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि लोग बीमार पड़े तो उसके पास जाते थे और वो दुआ कहते थे तो लोग अच्छे हो जाते थे।
लेकिन 8 बरस तक खुद के पांव दुखते रहे सुल्तान मोहम्मद शाह के, खुद के पांव दुखते रहे। एक बाई थी, उसको ऐसा ही कोई रूमेटिज्म की बीमारी थी, डॉक्टर ने कह दिया तेरे को सारी जिंदगी रहना पड़ेगा। बोला ने उसको फरमाया कि तुम लसन खाओ, अच्छी हो गई। तो खुद क्या लसन नहीं खाया, खाते भी होंगे, मगर याद रखो मेरी बात को कि नबी इमामों को जो दुख होते हैं वो उनकी कोई भूल की वजह से नहीं, उनके दुखों में भी कोई भेद और राज होता है। और वो राज ये होता है पहला कि वो लोगों के लिए एक लेसन बना के, एक एग्जाम्पल बना के छोड़ जाते हैं। जैसा कि अय्यूब नबी को साबरा नबी कहते हैं, वो इतने सबर वाले, इतने पेशेंट और टॉलरेंट थे कि उनको इतना दुख पड़ा कि कोई और होता तो मालूम नहीं क्या करता, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम हमेशा सबर में रहे। इस तरह से नबी जो होते हैं उनके ऊपर दुख पड़ते हैं। तीसरी दफा जब यह फरमान आया तो अपने बेटे को बुलाया, इस्माइल को कहा, बाज रिवायतों के हिसाब से उनकी उम्र 6-7 बरस की थी, बाज रिवायतों के हिसाब से 9-10 बरस की थी, मगर इतना तो जरूर है कि वो 6 और 10-12 बरस की उम्र के दरमियान थे, समझदार थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा, बेटे मुझे एक बात करनी है, अब्बाजान आप हुक्म करो, मुझे आप अपना ताबेदार मानोगे, ताबेदार यानी ओबीडियंस मानोगे, समझोगे। अल्लाह ने हुक्म किया है कि सबसे प्यारी चीज मैं उसके रास्ते में कुर्बान करूं, और बेटे तेरे से ज्यादा मुझे कोई प्यारा नहीं। फौरन खड़े होकर कहते हैं, अब्बाजान आप बिल्कुल ढील ना करें, मेरे को बिल्कुल भी डोलता हुआ यानी डाउटफुल हालत में, कांपता हुआ, डरता हुआ बिल्कुल नहीं पाओगे, मैं तैयार हूं। और खुद ही छुरी भी लेके आए और साथ एक कपड़ा भी लाए। नदी के किनारे पे पहुंचने के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अब्बा को कहा कि नदी के किनारे पे चल के आप मुझे शहीद कीजिए, ताकि आप जैसे ही छुरी फिराओ तो छुरी फौरन फेंक दो पानी के अंदर। वहां पहुंचे तो एक कपड़ा निकाला खीसे में से और अपने बाप की आंखों पर कपड़ा बांधा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ये क्या करते हो? कहने लगे, हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा को कि जब मैं आपकी गोद में कुर्बानी के लिए सोऊंगा तो आपकी नजर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि आपकी आंखों में मेरे लिए ममता और प्यार पैदा हो जाए और हाथ थुरचने लगे। इसके लिए आंखों पे पट्टी बांधता हूं कि आप मुझे देखो नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को खुदा की राह में कुर्बान किया। मेरा मतलब कहने का यह था दीनदारों कि खुदा का जो रास्ता है ना, इस रास्ते के अंदर स्मूथनेस नहीं है, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, रास्ते में पत्थर हैं, कांटे हैं, खड्डे हैं, कहीं गिर पड़ते हैं, घुटने छिल जाते हैं, लोही निकलता है, मार पड़ती है, कभी गरीबी आ जाती है तो ऐसी गरीबी आती है, इतना कर्जा पड़ जाता है कि आदमी मुंझा जाता है, घबरा जाता है। या मौला मेरी मदद कर, खुद दुआएं मांगता है, तस्बीहां निकालता है, सताड़े डालता है। ऐसे भी सताड़े हैं कि आदमी घर बैठा है और जमात तस्बीह निकालती है सताड़े की। और मैं आज कई बरसों से कहता आया हूं, मुखी कांवड़िया बेचारे क्या करें, क्योंकि मुखी कांवड़िया तो जमात को लाभ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन जमात को सोचना चाहिए कि सताड़ा बख्शवाने की जो रीत रस्म आपने निकाली किधर से, कौन से पीर ने कहा और कहां इमाम के फरमान में है ये चीज। सताड़ा बख्शवाया नहीं जाता, सताड़ा डलवाया जाता है। और सताड़े का नाम ही 7 दिन है, यानी आप 1 दिन के पैसे देके 7 दिन का लाभ लेना चाहते हो, वो नहीं चलता। सताड़ा तो एक बहुत एटम बम की तरह बड़ी मुश्किल चीज है, खुदा न करे कोई बहुत बड़ी बला आवे तब आप सताड़ा डालो, वगरना ये क्या है, $5-10 दे के हम सताड़े की तस्बीह, सताड़ा बख्शवा लो। 1 दिन का सताड़ा नहीं बख्शवाया जाता, सताड़ा 7 दिन होता है। सताड़ा ये है कि आपके घर का एक एक बच्चा
दो दिन का बच्चा है उसको भी जमात खाने में लेके आओ। सताड़े का मतलब यह है कि आपकी सारी फैमिली जमात खाने में आवे। सात दिन तक आप दुआ अपने घर में पका के मौला के दरबार में लेके आओ, और हाँ जमात के साथ शामिल होके सात दिन तक आजजी करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, आंखों से आंसू निकालो, मौला मेरे ऊपर ये बला आ गई तू रहम कर दे। लेकिन जरा ऑपरेशन करना है तो सताड़ा बख्शवा लिया, 105 डिग्री ताप आ गया तो सताड़ा बख्शवा लिया। छोटी छोटी बातों के ऊपर ये सताड़े ये बराबर नहीं। इसके लिए मैं कहता हूं कि हमारा जो मजहब है हम समझे नहीं अभी तक। याद रखो दीनदारो, आज एक भेद की बात आपको कहूं, कॉमन चीज है लेकिन आपका ख्याल शायद उस तरफ नहीं गया। वो भेद ये है कि दुख को राजी खुशी से सहन करो, इससे आत्मा मजबूत होती है। टॉलरेट, हैव पेशेंस इन कैलमिटी, दिस विल एनहेंस योर स्पिरिट। इस्माइली मजहब के भेद में से ये एक भेद है कि दुख के अंदर वावेला मत करो, शोर मत मचाओ, दूसरों के सामने अपना दुख जाहिर भी मत करो, दुख उसने भेजा है या हमारे गुनाहों की वजह से भेजा है और या उसने हमारे ईमान को टेस्ट करना है इसलिए भेजा है। दो ही कारण है दुख के, तीसरा कारण ही नहीं। 99.5% जो दुख आते हैं हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं, और शायद 0.5% ऐसा होवे कि हजर इमाम हमारा ईमान तपासता है, हमें टेस्ट करता है, हमारी परीक्षा लेता है इसके लिए, बाकी तीसरा कोई कारण नहीं दुखों का। कोई आदमी किसी दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया है तो मारा उसने, लेकिन मरवाने वाला कोई दूसरा है। उसने ऊपर वाले ने इसको कहा पीट इसको एक, अब इसके हाथ से पिटवाया और ये पुलिस में गया और ये पकड़ा गया जेल में गया, तो खुदा ने उसको कहा इसको पीट। हाँ, इसके गुनाहों की वजह से इससे मार खिलवाई और इसके गुनाहों की वजह से मार के जेल में भिजवाया। ये खुदा के अरेंजमेंट्स हैं, खुदा ऊपर से आके किसी को पीटता नहीं। मगर खुदा एक कंकर से, इंग्लिश में तो ये है ना, विद वन स्टोन किल टू बर्ड्स, लेकिन खुदा तो विद वन स्टोन वो 1000 बर्ड्स को पीटता है, मारता है। उसके हाथ बहुत बड़े हैं, उसकी ताकत बेहिसाब है, उसकी अरेंजमेंट जैसी कोई दूसरी अरेंजमेंट नहीं। इसके लिए जितने भी दुख हैं, छोटा हो गए बड़ा हो गए, हमारे गुनाह हैं। जब आपने ये हकीकत समझ ली कि जितने भी दुख हैं, आपको या मुझको याद नहीं रहता कि कौन से दुख की क्या सजा होती है, वो हमें पता नहीं लगता, लेकिन ये तो चौकस है कि दुख के पीछे हमारा गुनाह है। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना, अगर दुख आवे तो या मौला तेरा शुक्राना। जब भी कोई दुख आवे तो सबसे पहले शुक्र मांगो और फिर अस्तगफरुल्लाह की तस्बीहां निकालो। अस्तगफरुल्लाह, ए अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। अरबी जबान का जो लफ्ज अस्तगफर है ना, ये इस्तगफार मगफर से निकला, मतलब के ढांप लेना, छुपा डालना, मेरे गुनाहों को ढांक ले, अपनी रहमत से मेरे गुनाहों को ढांक ले, मेरे गुनाह बख्श दे। रब्बी मेरे पालने वाले तूबू आलाए, मैं तेरे पास प्रॉमिस करता हूं वापस ये गुनाह नहीं करूंगा, और अगर नहीं मालूम तो उसका मतलब यह है कि मैं आइंदा गुनाहों से बचूंगा। यदि कोई तकलीफ आवे पहला काम ये करो, शुक्र करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो, मगर दूसरों को अपना दुख कहो मत, सिवा के मदद लेनी होवे। बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास जाने की मैं मना नहीं करता, ऐसा ना समझना। अबू अली ने कहा था वाइज में
कि अगर बुखार आ जावे तो किसी को मत कहो, ये नहीं दिनदार। मतलब ये है कि अपने दुखों का रोना लोगों के पास मत रोओ। कई लोग ऐसे होते हैं, भला अंकुरो गुनों की ओर से कि खुदा मुके ही सजा देने। अरे भाई, तूने खुदा को ब्लेम कर दिया, उसको जालिम ठहरा दिया। हमेशा दुख के अंदर शुक्र करो, है मौला मेरे गुनाह है, चाहे वो चीज वो हमारे रूह को टेस्ट करने के लिए भेजता होवे, तो भी हमको ये कहना या मौला तेरा शुक्राना, मैं गुनाह किया है, मेरी मदद कर और इबादत ज्यादा करो, अपने आप को नम्र बनाओ, हम्बल बनाओ, नम के चलो, जेंटलनेस और काइंडनेस पैदा करो अपने दिल के अंदर। नबियों इमामों की लाइफ के अंदर से हमको ये चीज मिलती है। तो मोमिनो, ये जो इस्माइली मजहब है, इस मजहब के अंदर बहुत बड़ी खूबियां हैं, बहुत बड़े बड़े आराम भी हैं, बड़ी बड़ी खुशियां हैं, बड़ी बड़ी रहमतें हैं, बख्शिशें हैं, बरकतें हैं, मगर सामने दुख भी बहुत है। बड़े में बड़ा दुख तो ये है कि हर रोज 365 दिन बेहिसाब, एक भी दिन खाड़ा किए बगैर कितने हैं जो रोज जमात खाने आते हैं, के सारे एक अखे बरस में एक दिन भी जमात खाना नहीं चूका, कितने ऐसे। मैं बैतुल ख्याल की बात नहीं करता, उसकी तरफ जाता हूं तो कहना ही नहीं पड़ता, आप सब हंस पड़े, समझ गए कि बैतुल ख्याल में कौन रोज उठता है। देखा कि जमात खाना माशाल्लाह भरा हुआ है। मौला आपको दीन में दुनिया के अंदर मजबूत करे, सुखी करे, लेकिन अगर हम जमात खाने किसी कारण से नहीं भी आ सके, खुदा ने हमारे लिए सहूलतें भी रखी हुई हैं। मौलाना हजर इमाम डेढ़ वर्ष पहले जब ही स्टेट्स के अंदर गए तो माँ बाप ने फरमान फरमाया लड़कों बच्चों के अंदर जवानों में कि तुम्हारी बहुत दफा क्लासेस होती हैं शाम के वक्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में, तुम जमात खाने नहीं पहुंच सकते, मगर जहां भी हो तुम दुआ पढ़ सकते हो, दुआ पढ़ लो। अगर दुआ पढ़ने का भी टाइम नहीं मिला तो कम अज कम मौला कहते हैं अपने दिल में मुझे याद कर लो। फॉर इंस्टेंस क्लास चल रही है, टीचर सिखा रहा है और ऐसे समय में दुआ का टाइम है तो हम उनके सामने दुआ तो नहीं पढ़ सकते, तो कम अज कम दिल में मौला को याद कर ले। मौला फरमाया बाद में जब टाइम मिले दुआ पढ़ लो, लेकिन जब तुम मुझको अपने दिल में याद करोगे तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि तुम दिल में क्या कह रहे हो। हम अपने मौला को याद करते हैं, ये जो है ना इस्माइली मजहब की खूबी में ये एक और खूबी है कि हम इस्माइली लोग कहीं भी किसी भी हालत में अपनी इबादत कर लेते हैं। चलते चलते, बाइसिकल चलाते चलाते, ड्राइविंग करते करते, एरोप्लेन में बैठे बैठे, कहीं भी दुआ का वक्त आता है, लोगों के सामने कभी नहीं भी पढ़ सकते, हालांकि मौला ने फरमाया कि शर्म करे बगैर अपने खीसे से तस्बीह निकालो और दुआ पढ़ लो, लोगों का ख्याल मत करो। लेकिन मान लो कि कभी ऐसा मौका भी आया कि हम दुआ पढ़ ही नहीं सकते तो दिल में तो याद कर लेते हैं, ये इबादत है। हमारा मकसद ये है कि मौला के साथ हमारा संबंध कायम रहे। इस्माइली मजहब, जैसा कि पीर हसन कबीर दीन, पीर सदर दीन, पीर शमस के, मैंने आपको तीन पीरों के मैंने घिनान सुनाए कि इस्माइली मजहब ये है कि तुम्हारा सिर उस मौला के पांव में होवे। उसका मतलब यह है कि मौला का फरमान मानो। इस्माइली मजहब का सारा बेस स्ट्रक्चर पिलर जो कुछ भी कहो वो ये है कि हाजर इमाम का फरमान मानना, ये इस्माइली मजहब है। इसमें सब कुछ आ गया। किसी को हाजर इमाम ये भी कह सकता है कि मैंने तुमको दुआ बख्श दी, उसका हक है। इमाम जो है ना वो कुरान है। जिस तरह से नबी करीम के ऊपर 23 बरस तक रिवीलेशन हुई, कुरान कटके कटके टुकड़े टुकड़े आया और उसकी बुक बन के आज हम कहते हैं कुरान, यानी कि इसमें खुदा ताला का फरमान है। जिस तरह ये कागज पर लिखा हुआ कुरान है, हजर इमाम जो है
वो बोलता हुआ कुरान है। एक दिन ये बात मैं सुना चुका हूं, लेकिन वापस मौका आया और शायद आपको याद आ जाए, किसी ने नहीं सुना तो सुन ले। छोटी उम्र 3-1 बरस की, हसन हुसैन दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे। मौलाना हुसैन को भूख लगी। रसूल अकरम के जो मकान थे मस्जिद के साथ, इस वक्त रसूल अकरम के पास एट ए टाइम 9 बीवियां थीं। तो सामने ही बीबी आयशा का जो हुजरा था, हुजरा यानी रूम, बीबी आयशा नानी थी हुसैन की, तो ये सामने ही नजदीक था। तो हजरत हुसैन नानी के घर में घुस गए, देखा तो ऊपर एक छिंका था, यानी डोरी के साथ कुछ चीज बांधी हुई थी और उसके अंदर ऐसा कोई बास्केट वगैरह थी जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें रखते थे पुराने जमानों में, चूहों से, बिल्लियों से, कुत्तों से, जानवरों से बचाने के लिए, बच्चों से बचाने के लिए भी। हुजूर को भूख लगी थी, ऊपर देखा तो वो बास्केट लटकती थी, इधर उधर देखा कोई ऊपर चढ़ने की जगह नहीं थी, 3-1 साल की उम्र थी, तो बहुत सी चीजें घसीट घसाट के इधर लेके आए ऊपर चढ़ने के लिए। उसमें कुरान शरीफ के लिखे हुए बहुत से पेजेस भी थे, वो भी उठा के लाए और उसके ऊपर चढ़े। ऐसे ही समय के ऊपर आगे आगे बीबी आयशा और उनके पीछे रसूल अकरम दाखिल हुए, तो बीबी आयशा ने देखा कि हुसैन कुरान के ऊपर खड़ा है, तो है करके चिल्लाने लगी। रसूल अकरम फरमाया, है क्या, देखो देखो कुरान के ऊपर खड़ा है। नबी कहते हैं कुरान अला कुरान। एक बड़ी बारीक, एक बड़ी समझने वाली, डीप अंडरस्टैंडिंग की एक बात करूं, हजरत इमाम हुसैन 1.5 और 2 बरस की उम्र के बीच में थे। की साइड में रसूलुल्लाह के मकान थे, नमाज पढ़ी जाती थी, रसूल अकरम नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर सजदे में गए, इमाम हुसैन लड़खड़ाते, बहुत अच्छी तरह चल नहीं सकते थे, लेकिन यूं ही जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टॉडलर चल रहे थे, ऐसे ही डोलते डोलते चलते चलते आके नाना के कंधे पे एक पांव इधर रखा, एक पांव इधर रखा, बैठ गए जैसे हम साइकिल या घोड़े के ऊपर बैठते हैं। और रसूल अकरम ने पगड़ी बांधी हुई थी, पीछे लंबे लंबे बाल थे हुजूर के, दो हाथों से पकड़ लिए। अभी सजदा तो पूरा हो गया लेकिन सर नहीं उठाया, सर नहीं उठाया, सारी जमात हैरान। हजरत उमर खुद कहते हैं कि मुझे ऐसा डर लगा कि शायद रसूलुल्लाह का हार्ट फेल हो गया है, सजदे में गुजर गए हैं। लेकिन बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, बहुत देर के बाद, यानी इतनी देर के सारी नमाज पूरी हो सके, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन खुद बाहर उठे, तो नबी करीम ने सर उठाया, इमाम हुसैन को गोद में उठाया और खड़े होकर नमाज पूरी की। नीचे बैठे तो फिर इमाम हुसैन को नीचे रखते हुए, उठते वक्त फिर इमाम हुसैन को उठा ले गए। नमाज के अंदर ये सब काम किया। जब नमाज पूरी हो गई तो बहुत से लोग बातें करने लगे। हजरत उमर पूछते हैं, या नबी, मुझे ऐसा लगा कि हुजूर शायद सजदे में गुजर गए हैं। फरमाया, आए उमर, जब हुसैन मेरी गर्दन पर बैठा तो जिब्रील ने आके कहा, अय मोहम्मद, जब तलक ये बैठा है सजदा मत उठाना। आप नहीं समझे मैंने क्या कहा, बात तो सुन ली आपने, मगर बारीकी क्या है बोलूं, मुझे स्वाद आ रहा है इसका। वो जो पहला सजदा किया था जब इमाम हुसैन बैठे नहीं थे, तो वो सजदा अल्लाह के लिए था, लेकिन अब ये दूसरा सजदा तो हुसैन के लिए था, क्योंकि हुक्म ये आया कि जब तक हुसैन बैठा है सर मत उठाना, तो मतलब कि हुसैन सिर पर बैठा है, ये सजदा हुसैन के लिए था।
ये है इमामों के दर्जे। हम इस्माइलियों के सिवा इमाम को कोई नहीं जानता, और इस्माइलियों के अंदर भी गिने चुने आदमी जो इमाम को जानते हैं। हम मानते जरूर हैं इमाम कौन है, इमाम का दर्जा क्या है। ये हिलते फिरते चलते फिरते हम इंसान को अल्लाह का नूर कहते हैं, हम उसको प्यार मोहब्बत में कभी मजनू ने लैला को कह दिया तो हमारा भी प्यार ऐसा ही है। हम अपने मौला से मोहब्बत करते हैं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार के अंदर हम उसको सब कुछ समझते हैं। वो जो है उसके बगैर कोई नहीं। है जी तुझ बिना कोई अवराना जीस स्वामी अमने छे तमारो आधार जी तुझ बिना हमें एकला स्वामी तुझ बिना हमें एकला स्वामी तमें था जो रखवार जी। 1964 दिसंबर की 26 तारीख मौला पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम दो दिन बाकी थे, वो तोड़ के कैंसिल करके नैरोबी आए। उस वक्त नैरोबी के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लोग घबरा गए थे, एशियन लोगों को निकाला जाता था, भाग रहे थे। मौला ने गवर्नमेंट रोड के जमात खाने में आके, मुझे वो सीन आज भी याद है, गले में चेन पहना है, राइट हैंड की उंगली से मौला चेन से खेल रहे हैं, लेफ्ट हैंड से माइक पकड़ा हुआ है, ऐसे प्यार से ऐसी अफेक्शन के साथ इसके मुंह से निकला, मेरे रूहानी बच्चों, माय डियर स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। उसकी जो टोन, उसके बोलने की जो वाइब्रेशन थी, दिल में उतर गई। इतने प्यार से बोला, कोई फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हालत देख के, चिंता देख के, पाकिस्तान का प्रोग्राम दो दिन छोड़ के मैं तुम्हारे पास आया हूं। इधर जो कुछ भी हो रहा है तुम बिल्कुल चिंता ना करो, डोंट वरी एट ऑल। और फिर वो चेन को छोड़ के हाथ मुबारक सीने पे रखा, आई विल वरी फॉर यू। देखो मौला कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, मुझे जाओ तो ढूंढ के लाओ किधर से, ऐसा कोई है लीडर, ऐसा कोई धर्मगुरु बताओ कि जो ये कहे कि तुम्हारी फिक्र मैं करूंगा। 1945 में मुंबासा के अंदर ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों को पूछा जाएगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे। उधर तो आम मुसलमान नहीं थे, मौलवी थे, मुल्ला थे, आमिल थे, मुफ्ती थे, काजी थे, बड़े बड़े लोग थे वहां, और तमाम इस्लामी फिरकों के लोग वहां थे, अरब भी थे, स्वाहिली थे, इंडियन पाकिस्तानी वगैरह सब थे, इस्नाशरी थे, बोरे थे, सुन्नी थे, इस्माइली थे, सब जात के थे। इस्लाम के अंदर ये मानता है, यानी पूछा जाएगा कि तुमने इस्लाम के लिए क्या किया तो तुम क्या कहोगे। कोई ने जवाब नहीं दिया। मौला ने सेकंड टाइम पूछा, थर्ड टाइम जब कहने लगे तो सब फरमाया कि तुम इस्माइलियों की बात छोड़ दो, उनकी तरफ से मैं जवाब दूंगा, तुम्हारी तरफ से कौन जवाब देगा, है किसी की ताकत। कोई ना बोला,
कौन ये कहे कि मैं कयामत के दिन तुम्हारा भार मैं उठाता हूँ, कौन ये कहे कि कयामत के दिन तुम्हारी तरफ से मैं जोखिमदारी लेता हूँ, कौन कहे? कौन से मजहब में है, कौन सा ऐसा गुरु लीडर मुर्शिद है कि जो तुम्हारे अपने मानने वाले जो हैं उनके उनकी तरफ से सारा जवाबदारी खुद उठाए? ये कहता है तुम्हारा जवाबदार मैं हूँ। कयामत के दिन तो है ही, लेकिन दुनिया में भी आके इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों यू डोंट वरी, आई विल वरी फॉर यू। और वरी की ना, हमको कनाडा कौन लाया? अपनी मर्जी से आए हो? इसके दरवाजे किसने खोले? 5 बरस सिटीजनशिप के निकाल के 3 बरस किसने करवाए? और इधर आके 10 बरस के अंदर ऐसे जम गए हो कि जो 50 बरस वाली दूसरी बहुत सी कौमें हैं आज तक ढचू पचू हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अरे दिनदारों, ये कनाडा की जो जमात है, जमात को मालूम नहीं कि कनाडा में जमात बनाने का कारण क्या। वो कारण तो बहुत आला दर्जे की चीज है। किसी दिन आया दिल में तो मैं बताऊंगा, एक आध दो जगह बोल भी चुका हूं, लेकिन बहुत बड़ा कारण है। मैं वापस उस जगह पे आऊं कि इस्माइली मजहब जो है ना, वो मुश्किल है। गैरों की खोपड़ी में इस्माइली मजहब घुसता नहीं, बहुत से इस्माइलियों की खोपड़ियों में भी अभी नहीं घुसता, लेकिन इस्माइली मजहब है। और मैं अपनी वाजों में 5 साल हुए मैं कहता चला आया हूं, कला मेरा हमारी जमात दिन ब दिन घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। हमारी जो जमात की जो संख्या है वो दिन ब दिन घटती जाएगी। अगर 22 मिलियन थे तो उसमें से 20 हो जाएंगे, 20 में से 18 होंगे, 16 होंगे। हमारी जमात घटती जाएगी। इसलिए घटती जाएगी कि जो कच्चे कच्चे इस्माइली हैं, जो चाकू चाकू गंदे गंदे इस्माइली, सुवाली में चाकू कहते हैं डर्टी को, वो इस्माइली मजहब में से निकलते जाएंगे। उनकी खोपड़ी में इस्माइली मजहब नहीं बैठेगा, उनके दिलों में शक पैदा होंगे। आप मेरी बात को गए 20 बरस से देख लो, और इंशाल्लाह मुझे भी एक दिन गुजरना नहीं, आप जवान आदमी हो, कभी फ्यूचर में 50 बरस के बाद याद करोगे, हाँ एक अबू अली मिशनरी था, वो हमें कहता था हमारी जमात घटेगी, मोमन थोड़े रहेंगे, थर थर मोमन भाई कोई कोई रह सके। भले हो सकता है कि इस्माइली मजहब में ही रहे, वैंकूवर में एक आदमी है इस्माइली, मगर इस्माइली मजहब का दुश्मन है, खाने आता है कभी कभी, जब भी कोई तालिका आता है या अनाउंसमेंट होती है सुन के चला जाता है, न वो दुआ कराता है, न दुआ पढ़ता है, न सज्दा देता है, कुछ नहीं। ऐसे तो बहुत है, ऐसे बहुत से इस्माइली हैं लगभग हर जमात खाने के अंदर, के दुआ के अंदर बैठे रहते हैं, वो सजदा नहीं करते, सर भी नहीं झुकाते, या तो जानबूझ के उनका ईमान खराब है, और या इसलिए कि उनका ध्यान दुआ में नहीं। इस्माइली मजहब जो है ना, ये नबियों का मजहब है। उन लोगों को के जो दुनिया के कीड़े हैं उनको ये मजहब काम नहीं आता, ये मजहब उनको काम आता है कि जो दुनिया को छोड़ के इससे प्यार करे, उनको ये चीज नजर आती है। याद रखो दीनदारों, हम जो कुछ भी देखते हैं उसकी 2 वजह हैं, बत्तियां जल रही हैं और हमारी आंखों के अंदर साइट है, इसलिए ये चीज नजर आती है। हमारी आंखें ठीक हैं लेकिन बत्तियां अगर नहीं तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, और अगर बत्तियां हैं और आंखें खराब हैं तो भी कुछ नजर नहीं आएगा। साइट भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, ईमान भी चाहिए। साइट का मेरा मतलब ईमान है, ईमान भी चाहिए और हजर ईमान की शनाख्त भी चाहिए, तो दिल के अंदर नजर आएगा तो उसको रोशनी मिलेगी। जो आदमी 10 वंद नहीं देता, खुदा की कसम वो सारी जिंदगी नहीं लेकिन 10,000 जिंदगियां भी उसको मिलेंगी, उसके दिल में कभी ईमान नहीं आएगा। अगर ईमान चाहते हो अपनी 10 वंद बराबर दो। ये सारी चीजें जो कुछ भी मैंने कही इमाम की मोहब्बत और फरमान में आ जाते हैं। इमाम से मोहब्बत करो, प्यार करो, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने माल को, अपने